एमसीडी चुनाव के 84 दिन बाद दिल्ली को बुधवार को मेयर और डिप्टी मेयर मिल गया, लेकिन अब स्थायी समिति चुनाव को लेकर सदन में रात भर से हंगामा जारी है। विवाद इतना बढ़ गया है कि आप और बीजेपी के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई भी हो गई है। बीजेपी और आप हंगामे के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये हंगामा किस वजह से हो रहा है। ये विवाद स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को लेकर है। दरअसल डिप्टी मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के कुछ वोट खारिज हुए, जबकि कम से कम एक क्रॉस वोटिंग भी हुई। स्थायी समिति में 4 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं, वही 3 बीजेपी के, और वहां वोटों की लड़ाई काफी करीबी है। कल शाम को स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हुई। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव की तरह ही इसमें वोटिंग की सीक्रेट तरीके से की जानी चाहिए थी, लेकिन आम आदमी पार्टी से नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबेरॉय ने पार्षदों को मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति दी ताकि क्रॉस वोटिंग की आशंका को खारिज किया जा सके। ऐसे में कई पार्षदों ने अपने बैलेट पेपर के फोटो भी खींचे और बीजेपी ने इसका विरोध किया, लेकिन अब तक 47 वोट पड़ चुके थे और 47 वोट डालने के बाद मेयर ने तय किया कि अब फोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं किया जाएगा। बीजेपी की क्या मांग थी उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। बीजेपी ने अब पूरी वोटिंग नए सिरे से करवाने की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जो वोट अब तक डाले गए वे नियम अनुसार सही नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि ये सीक्रेट वोटिंग का उल्लंघन है। वहीं मेयर इस बात पर अड़ी हुई है कि पहले वाले वोट दोबारा नहीं डलवाए जाएंगे। उनका कहना ये है कि उनके पास अब कितने बैलेट पेपर नहीं बचे हैं कि पूरे पार्षद वोट डाल पाए। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच विवाद की मुख्य वजह यही है कि ऐसे में पूरी प्रतिक्रिया अटकी हुई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में हाथापाई हो गई है और इस दौरान नेताओं ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें भी फेंकी। बोतल वॉर शुरू होते ही कुछ पार्षद सदन से बाहर निकल गए तो कुछ पार्षद टेबल के नीचे छिपकर बचते दिखे। कई माननीय इस लड़ाई में खुलकर हाथ आजमाते हुए भी दिखे। सदन में जमकर नारेबाजी भी हुई। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली और बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आप उम्मीदवार शैली ओबेरॉय मेयर दिल्ली की नई मेयर बन गई है। शैली ओबेरॉय ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को हराया है और शैली ओबेरॉय को 150 वोट मिले, जबकि रेखा गुप्ता को सिर्फ 116 वोट मिले। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, लेकिन जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ दोनों दलों के पार्षदों में विवाद हो गया।